हाय गाइस, मैं दीपक कुमार राजीव चौक से। मैं यहाँ पे वुमेंस डे के लिए आया हूँ, तो हमें अलग अलग लोगों से उनकी राय पूछनी है और देखते हैं कि उनकी राय क्या होती है। तो चलते हैं एक एक करके, एक एक लोगों से पूछते हैं और पता करते हैं कि क्या उनकी राय है वुमेंस डे पे। थैंक यू। वुमेंस डे कब मनाते हैं? 8th March. प्रॉपर आंसर, वन आंसर, 8th ऑफ मार्च। मार्च में है, 5th मार्च नहीं है, 8th मार्च आई थिंक। मुझे नहीं पता, इसको कट कर दो, कट कर दो। नहीं, आप गेस करो। फरवरी में आता होगा? नहीं, फरवरी में नहीं आता। तो फिर आप बता दो। दिस मंथ मार्च में ही आता है आई गेस। 12th मार्च? नहीं, 12th मार्च 5 मार्च नहीं, 5 भी नहीं है, 12th और 5 के बीच में। अच्छा, ओके। 12th मार्च? हां, 8th मार्च। हु इज मोर गुड ड्राइवर, मैन और वुमन? मैं आई से वुमन। आई ड्राइव, आई एम ड्राइविंग फ्रॉम पास्ट 6 इयर्स। मैं भी चिल्लाती हूँ, आगे लड़की चिल्ला रही होगी फालतू में। मैं भी चिल्लाती हूँ कभी कभार। तो फाइनल आंसर मैन। आई थिंक सो मैन। वुमन जो इंडियंस नहीं बोलते हैं सब, वुमन वुमन। जो तो चलानी नहीं आती। रीजन क्या है? वो अलर्ट रहती है हमेशा। आई गेस वुमन ड्राइवर्स जो है थोड़े उनका कम है नंबर्स में, तो मैन। Who is more stronger physically? Men. Physically, men. Men ज़्यादा strong होते हैं। Men, because हम बहुत pain दे कर सकते। Physically it's men. Of course it's men. Man, I'm stronger than my husband. इंडिविजुअल पे डिपेंड है। अब जो रेसलिंग में जाते हैं उसमें मेंस भी होती है, वुमेंस भी होती हैं, तो वुमेंस भी टक्कर देती हैं, तो दे आर आल्सो स्ट्रॉन्ग। एक्चुअली मैं स्ट्रॉन्गली मैं दो किसी को सपोर्ट नहीं करूँगी। वुमेन और मैन दोनों इक्वल होते हैं। इट्स ऑल अबाउट जेंडर इक्वालिटी। फेमिनिज्म इज अबाउट इक्वालिटी। नाउ हु इज मोर स्ट्रॉन्गर मेंटली? वुमेन। मेंटली इट्स वुमेन। मेंटली वुमेन। बिकॉज हर चीज़ को मैनेज करना, लाइक होम से लेके ऑफिस से लेके एवरीथिंग, वुमेन इज मल्टीटास्किंग। एंड हु कैन हैंडल होम केयरफुली? वुमेन एंड मैन बोथ। आई हैव सीन मैन हैंडलिंग होम, सो आई विल नॉट सपोर्ट वुमेन इन दिस केस। गर्ल्स, वुमेन इज द होम मेकर और होम टेक केयर, एनीथिंग यू कैन से। दोनों में रोमांटिक कौन होता ज्यादा? आई गेस गर्ल्स, क्योंकि लड़के जो होते हैं ना अपने इमोशंस को छुपाते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं करते खुद को, दे आर नॉट एक्सप्रेसिव। बट वुमेन जो है अपनी चीज़ों को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को एक्सप्रेस करती है अच्छे से। किसी किसी रिलेशनशिप में लड़का ज़्यादा रोमांटिक होता है, सरप्राइज करना अच्छा लगता है उनको। किसी किसी केसेस में लड़कियाँ ज़्यादा होती है। यस वुमेन, they are more caring, they are more romantic। मैन होते होंगे क्योंकि मैं तो पर्सनली बिल्कुल नहीं हूँ। मैन। थैंक यू। वुमेन। मेंस भी होते हैं बहुत ज्यादा। मेंस भी होते हैं, ऐसा कोई बात नहीं कि एवरेज में वुमेन ज्यादा होते हैं। वुमेन रोमांटिक ज्यादा, मेंस ज्यादा होते हैं। सिचुएशनल बैलेंस ज्यादा करते हैं वुमेन। मतलब वुमेन चाहते हैं कि उसकी मैन जो है वो ज्यादा रोमांटिक हो। Why not men? Men are not at all romantic. They don't know what to do at what time, what they have to do. They really don't know. They have no clue about it. According to me, women. Woman. You're married. Okay. I'm married. Woman. Yeah, woman, I guess, yeah. Why not men? Maybe because I don't leave a space for him to do things first. Yeah. Who gets ready more faster for going office? Men. Men जल्दी रेडी होते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा काम नहीं होता ना, बस फ्रेश हुए, नहाया वहाया, कपड़े पहने, रेडी हो गए। अब लड़कियों को ज़्यादा काम होता है। Men, because बहुत हमारे पास बहुत काम होता है करने को, and makeup and everything, we take time to get ready. Women cannot get
रेडी फर्स्ट ऑफिस जाने के लिए ऑफिस जाने के लिए इधर भी जाने के लिए वुमेन कैन नॉट गेट रेडी मतलब मेन तो हम दोनों रूम में हैं हमारे बॉयफ्रेंड जो है दे टेक मोर टाइम हम दोनों को कंपेयर किया जाए तो हम बहुत जल्दी रेडी होकर निकल जाते हैं हां ऑब्वियसली वुमेन हैव टू लुक गुड तो इसलिए तो क्या हुआ ऑफिस से तो तैयार होने का कोई रिलेशन नहीं है बहुत ज्यादा सजने समझने में टाइम लगा बोलते हैं कि हम बहुत ज्यादा फर्स्ट होता है बट लेट वो ही करेगा और आजकल पर्स भी बहुत ज्यादा स्टाइल में लगी है जेल जेल बनाओ बाल बनाओ वुमेन बट मैन 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 टेक्स लेस टाइम नो नॉट 2 मिनट्स 1 मिनट समटाइम्स 0 मिनट्स नो वुमेन Yeah. Men. Men. In my case, women. Women, for sure. But women takes more time than men. No, but I'm Not so in faster. yeah, yeah. Hi guys. So, आपने देखा कि हमने अलग-अलग लोगों से क्वेश्चन पूछा अलग-अलग महिलाओं लड़कियों से क्वेश्चन पूछा उनके अलग-अलग जवाब थे किसी को आता था किसी को नहीं आता था लेकिन वाकई में आप लोगों को काफ़ी मज़ा आया होगा इंटरटेन हुआ होगा कि कैसे अब लोगों को वुमेंस के बारे में पता है या नहीं है तो जो पार्ट आपको अच्छा लगा होगा उसे आप कमेंट्स करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें और वुमेंस को सैल्यूट करें तो हैप्पी वुमेंस डे और थैंक यू